आपका नाम? मेरा नाम गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, तो अंकल आप कहाँ से हो? हम जनाब जिला कठुआ तहसील। अभी आंटी कुछ बना रहे हैं। आंटी क्या बना रहे हो आप? सब्जी बना रहे हो? यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे चावल बन रहे हैं, आलू बन रहे हैं, और ये क्या है? चाय, चाय बन रही है। अभी आप देख सकते हैं इमरान को कुत्ते पीछे पड़ गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। सो अभी की जो लोकेशन है, मैं अभी हूँ बिंद्रावल में। सो जो रास्ते का व्यू मैं दिखा नहीं पाया, बट आज जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ यार, जिसको देख के पता नहीं क्या होगा। तो चले आप भी, मैं आ रहा हूँ यार। अक्सर आपने देखा होगा कि बकरवाल बेचारे चलते रहते हैं यहाँ से गुजर वगैरह, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेचारे। सो चले आज हम थोड़ा इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। लेट्स सी। अभी यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल बैठे हैं, तो अभी इनसे पूछेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने आज नाइट स्टे किया हुआ है। सो हमारे साथ ये अंकल बैठे। अंकल अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? गुलाम हुसैन। तो अंकल आप कहाँ से हो? इतनी दूर से कितना टाइम लगता है आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने में? कहाँ जाते हो आप? वहाँ से आप वापस कब आते हो? अच्छा, तो बाकी कुठवा में रहते हो आप? तो बाकी जो आपका ये मतलब भेड़ बकरियाँ वगैरह है, उनके साथ कितने हैं वो आपके पास? जनाब हमारे एक दो दो चार चार आदमी इधर आते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे भी रहते हैं, बच्चे जैसे बहुत मुसीबत होती है। हम रात इधर बिछवाड़ से लेके अच्छा सात आठ प्लेट खा ले। अरे यार शिट, चलो वो तो अलग ही मर्जी। अरे यार अंकल क्या बात होगी। तो गाइस अभी आपने देखा क्या नाम था आपका अंकल? मेरा नाम गुलाम हुसैन। तो गुलाम हुसैन अंकल थे यहाँ पे जो कुठवा से बिलोंग करते हैं। सो अभी इन्होंने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। अभी इनका जो माल है वो पीछे कहीं चराने के लिए लिया हुआ है, तो इन्होंने कहा अभी यार कि इनकी जो पांच छह भेड़ बकरियाँ थी वो खाई कुत्तों ने बेचारे, पता नहीं यार इनकी किस्मत कुठवा से आए हुए हैं ये। सो चले अभी हम थोड़ा इनकी लाइफ स्टाइल में देखते हैं भाई, क्या इनके पास क्या क्या होता है, क्या क्या सामान उठाते हैं ये साथ में। और यहाँ से ये देखिए कितनी दूर दूर, आपको कितनी दूर वो पहाड़ियाँ दिख रही है, और कहाँ कहाँ ये पहुँचते हैं यार पैदल। हमें तो यहाँ से वहाँ नहीं बनेगा जाने। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा नन्ना सा बच्चा है इनका, ये इनको अपना बच्चा समझते हैं। एक तो बच्चा अपना समझते हैं और अपनी रोजी रोटी समझते हैं इनको। हमें तो कपड़ा बूट रोटी जो भी है तो सब इन्हीं से पैदा करते हैं। अरे तो आपने कुत्ते शुत्ते वगैरह भी रखे हैं? कुत्ते भी रखे हैं। अरे नहीं चाचू यार डरा हो मत, हम डरते हैं यार। सो आप हमें अपनी फैमिली से थोड़ा ये मिलवाओगे? हमें अपनी फैमिली से साथ है। अच्छा वो अभी माल लाने गए? माल लाने के, कोई लकड़ी लाने को गए, कोई पानी लाने को गए। तो चले गाइस अभी आए, इनकी जो फैमिली है वो चली गई है, वो इन्होंने बोला कोई पानी लेने, कोई खाना लेने। सो इनकी लाइफ है यार, एंजॉय कर रहे हैं, बट मेहनत भी कर रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो जब थोड़ा हम वेट करेंगे जब तक इनकी फैमिली आएगी, तो थोड़ा हम देखते हैं यार ये बनाते शनाते कैसे हैं, और क्या क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। गाइस अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं टैंक लगे, दो चार लगे हैं शायद, तो अभी वो कुछ बना रहे हैं यार बेचारे, ये भी शायद बाहर गिर होंगे। चले थोड़ा देखते हैं गाइस क्या बना रहे हैं। तो गाइस मुझे लग रहा है वहाँ पे कुत्ते हैं यार, जा जा जा। तो अभी इमरान चला गया यार।
अभी आप देख सकते हैं इमरान को कुत्ते पीछे पड़ गए हैं। क्या है यार उधर कुत्ते। तो गाइस अभी हम गए थे वहां पे बट भाई पूछो मत यार, तीन कुत्ते पीछे पड़ गए। सो एक बार और ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी जो इन्होंने कुत्तों को बांध लिया है यार, अब पता चला लड़कियां आई थी कुत्तों से क्यों डरती हैं। सो यहां पे जो पार्टी चल रही है अभी, लुक एट द व्यू। यहाँ देख सकते हैं गाइस लगभग तीन से चार तीन लगे हैं यार। तो अभी चलिए थोड़ा देखते हैं यार। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी आंटी कुछ बना रही है। आंटी क्या बना रहे हो आप? सब्जी बना रहे हो? कौन सी सब्जी बना रहे हो? ओ आज तो आंटी ने यहाँ पे पक्का पार्टी करनी है। तो आप एक ही डेरा बैठो यहाँ पे, मतलब आप तीनों डेरे एक ही हो? आप ही कुठवा से ही हो? तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आग जलाई हुई है, कुकर लगे हैं यार, पतीले भी लगे हैं। यहाँ से एक और सिस्टर हमारी बैठी है यहाँ पे। आप क्या बना रहे हो? हेलो आप क्या बना रहे हो? आप भी कड़म और आलू बना रहे हो? ये भी यही बना रहे हैं। तो यहाँ से अभी एक और जनाब बैठे हुए हैं, तो ये सिस्टर भी अभी यहाँ पे। आप क्या बना रहे हो? आप भी यही बना रहे हो? अरे यार शर्माओ नहीं यार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे चावल बन रहे हैं, आलू बन रहे हैं और ये क्या है, चाय बन रही है। तो अभी जो है इनका डेरा वगैरह सब माल वगैरह पीछे रखे हुए हैं इन्होंने। तो इन्होंने जो अभी बिंद्रापुर में स्टे किया हुआ है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं शाम भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से जो है फॉरेस्ट वगैरह भी हैं, तो जंगली जानवरों का जो है काफ़ी ज़्यादा। गाइस बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन तीनों का जो माल है, ये आंटी बैठी है यहाँ पे, इन तीनों का जो माल है कल कुत्तों ने खा लिया। लगभग पाँच से छः बैठे जो वहाँ पे बैठे थे, जिनका इंट्रो ने पहले लिया था, पता नहीं उनका नाम क्या था। सो यार इनकी थोड़ी सी हेल्प तो बनती है यार, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं बट इतना यार तो ज़रूर बनता है फर्ज की कुछ ना कुछ स्कीम तो इनके लिए होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको कौन सा पानी पीना पड़ रहा है, इन बेचारों को पता नहीं है यार बाहर के लोग हैं। तो यार जितना हो सके इनकी हेल्प करो यार, बेचारे गरीब हैं यार।
गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं बस स्टैंड अपने वापस। तो अभी जो है टाइम हो गए हैं 7:30। तो जो पूरा जो है मैं आपको भी दिखा नहीं पाया क्योंकि उनके जो भेड़ बकरियां थी और माल वगैरह जो थे कुछ ऊपर उन्होंने घास वास खिलाने के लिए लिया था। सो अभी जो है खाली उनसे हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो। सो अब वीडियो में खुद देख सकते हो उन्होंने क्या बोला और क्या हुआ है उनके साथ। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अपने एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।